नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया, जनाजे में उमड़ी भारी भीड़, मां पिता की कब्र के पास दफनाया गया। घोटाले में केजरीवाल सरकार के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा, कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया। वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाले बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्र कौन है, 242 केस दर्ज। वायनाड लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार की सुरेंद्रन के खिलाफ 242 मामले दर्ज हैं। कमलनाथ के गढ़ से विधायक बीजेपी में शामिल, भाजपा ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह का दल बदल करवाकर बड़ी सफलता प्राप्त की है। बदल गया कार्यक्रम, अब 2 अप्रैल को बरेली आ रहे हैं सीएम योगी, साधेंगे चुनावी समीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 अप्रैल को सुबह 11 बजे त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार की आंखों में धूल झोंक, 500 करोड़ की जमीन हड़पने की कोशिश, एक्शन मोड में सीएम सैनी, जांच के लिए एसआईटी का गठन। भोजशाला में एसआई सर्वे का 9वां दिन, परिसर में मजदूरों सहित पहुंची टीम, रंग पंचमी को लेकर बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। आखिरी मौके पर कैसे कटा अरुण यादव का टिकट, सीसी की बैठक में लग चुकी थी मोहर, सिंघार के बयान के बाद बदले हालात। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल, कमलेश प्रताप शाह ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, सीएम हाउस में ली पार्टी की सदस्यता। आरसीबी के लिए आईपीएल ट्रॉफी जीतना असंभव, केकेआर के खिलाफ मिली हार के बाद टीम को लेकर ये क्या बोल गए पूर्व इंग्लिश कप्तान। आईपीएल 2024 के 10वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।